राजनेताओं की तरह करवट बदल रहे जंगली जानवर, अब जंगल छोड़कर गांव की तरफ भागे हिरण को कुत्ते ने मार डाला। कटनी जिले के सलीमनाबाद के पास के जंगल से रहवासी इलाके में अचानक एक चीतल आ गया, जहां पर आवारा कुत्तों ने चीतल को देख उस पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। सलीमनाबाद के कस्तूरबा गांधी हॉस्टल के पास मरा हुआ चीतल की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे, मृतक चीतल का पंचनामा कार्यवाही कर चीतल के शव को अपने कब्जे में ले लिया और सलीमनाबाद में चीतल का पीएम कराकर अंतिम संस्कार किया गया, जहां ग्रामीणों ने बताया कि जंगल से भटककर चीतल गांव में आ गया था, जो आवारा कुत्तों का शिकार हो गया। बीबीसी के लिए कटनी से ब्यूरो हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। शैलेश कुमार शर्मा है। आज सुबह करीबन 5 बजे की बात है, सामने हनुमान मंदिर में सीताराम धुन वाले आते हैं 4 से 5। उनके जाने के बाद माता जी ने बाहर झाड़ू लगाने के लिए गेट खोला तो उन्होंने आवाज़ मारी कि कोई गाय के बच्चे को कुत्ते खा रहे हैं। जब करीबन 5:45 का टाइम था, 5:45 का, तो मैं बाहर निकला तो देखा चीतड़ का एक बच्चा पड़ा है, उसको 4 कुत्ते खींच रहे हैं। कुत्तों को भगाया, जब देखा तो उसका पेट और पीछे का पुट्ठा खा चुके थे। 10-15 मिनट में ही चीतड़ की तुरंत मौत हो गई। फिर वन विभाग को जागेश्वर प्रसाद शर्मा चाची जी द्वारा सूचना दी गई। मैं शिवदत्त गर्ग, वन रक्षक, भीड़गाड़ छपरा। मुझे जानकारी प्राप्त हुई आज सुबह कि सलीमनाबाद में ब्राह्मण मोहल्ले में एक मृत चीतल पड़ा है। जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो मैं मौके पर पहुंचा, जानकारी लिया तो ये पता चला कि कुत्तों के द्वारा खदेड़ कर लाया गया और यहाँ पर घेर कर उसको मार दिया गया है। हम मौके की कार्रवाई कर और अपने सलीमनाबाद डिपो ले आए हैं। आगे की जो भी कार्रवाई हुई वो पूर्ण करेंगे, इसके बाद जो भी होगा वो उच्च अधिकारी बताएंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 9039 01 1886 9770 22 99 99।